आज फ्रेंड्स मैं लेके आई हूँ कचुम्बर सैलेड, एक ऐसी साइड डिश जो सर्व की जाती है हमारे रोजमर्रा के मील्स के साथ और तकरीबन हर घर में इसको बनाया जाता है। देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और खाने में उतना ही टेस्टी। सो फ्रेंड्स मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका, राधिका रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल को एनेबल कर लीजिए। सैलेड बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मैंने लिया है बॉइल्ड पोटैटो। ठीक है, एक तो ये फिलिंग बहुत है और मोर ओवर टेस्ट बहुत अच्छा देता है हमारे सैलेड में। एक चीज का ध्यान रखना, जो भी आज हम सब्जियां इसमें यूज करेंगे सैलेड के लिए वो तकरीबन एक ही शेप में हो। जैसे ये देखो मैंने इस तरह से पीसेस काटे हैं, तो सारी सब्जियों के पीसेस आप ऑलमोस्ट ऐसे ही काटेगा। अगर आप स्लाइस ले रहे हैं तो स्लाइस लीजिएगा, शेप एक जैसी लीजिएगा। और दूसरी बात, सब्जियां फ्रेश ही लीजिएगा, तभी जो क्रंचीपन है वो सैलेड में हमारे आएगा। ये है प्याज। और एक चीज और फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट, वैसे तो सैलेड है बहुत ज्यादा कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसको चॉपर में मत कीजिएगा, क्योंकि क्या चॉपर में करने से क्या है थोड़ा सा ये मॉइस्चर आ जाता है, वॉटरी हो जाता है, जो सैलेड में जो उसका एक क्रंची टेस्ट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, हाथ से कीजिएगा। ये रहे हमारे अनियन। अब आप एक चीज का नोट कीजिए, ये देखिए हमारे प्याज और ये जो हमारे आलू, तकरीबन मैंने स्क्वायर शेप में ही इसको काटा है। ठीक है, 19-20 हो सकते हैं लेकिन तभी अच्छा लगेगा। ये है कैरेट। ठीक है, ये इस टाइम पे ऑरेंज ही आती है, अगर आप सर्दियों में बना रहे हो तो रेड कैरेट भी डाल सकते हो। बिलीव मी ये इतना टेस्टी बनता है ना, और मोर ओवर हेल्दी बहुत है, और नॉर्मली घर पे हमारे पास ये सब्जियां होती ही हैं। ये है कैप्सिकम। ये कैप्सिकम भी देखिए इस तरह से मैंने डाइस करा है और फ्रेश ली है, बासी नहीं लेनी, अदरवाइज वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये रहे हमारे कैप्सिकम। साथ ही मैं इसमें डालूंगी कुकम्बर। ये देखिए कुकम्बर का भी मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस किए हैं। ये रहे हमारे कुकम्बर। थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा देने के लिए ये है हमारे टमाटर। टमाटर के फ्रेंड्स मैंने सीड्स निकाल लिए थे, वो टेस्ट थोड़ा सा कम अच्छा लगता है सैलेड में, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी ले सकते हो। थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी स्वीट कॉर्न्स। ठीक है, हल्का सा मैंने इसको बॉइल कर लिया था। थोड़ा सा स्पाइसीपन देने के लिए फ्रेंड्स मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी ग्रीन चिली। हरी मिर्च के मैंने सीड्स निकाल लिए थे, ठीक है, उससे थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट ज्यादा आता है। ठीक है, आप अपने आप से कम ज्यादा कर सकते हो। ये मैंने लिए हैं पुदीने के पत्ते। ओ माय गॉड, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अब इसको क्या करना है, इसको हम ब्रेक करके इस तरह से डालेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और मोर ओवर हमारी स्टमक के लिए बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो फ्रेंड्स कहते हैं कि कुदरत ने हमें जो जो चीजें दी हैं हमें कोशिश करनी चाहिए उसको बहुत ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, रॉ जितनी कोशिश हो सके उतना हमको खाना चाहिए। तो इसीलिए आज जो मैं आपको सैलेड सिखा रही हूँ बहुत ही हेल्दी वर्जन है, वेट लॉस जो करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है और वैसे भी। लेकिन हमेशा कहते हैं कि जो सैलेड होता है उस पे बहुत ज्यादा नमक या बहुत ज्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करने चाहिए, अदरवाइज उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू खत्म हो जाती है। अब साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से स्पाइसेस। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा काला नमक, आप नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हो, लेकिन इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी जीरे का पाउडर, रोस्टेड जीरा है, मार्केट में भी इजीली मिल जाता है और मोर ओवर घर पे भी इजीली बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा चटपटापन देने के लिए चाट मसाला, जिसके बिना हमारा कोई भी सैलेड जो है कम्प्लीट नहीं होता। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर, ये रहा, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी कोरिएंडर लीव्स। आप चाहें तो इसमें लेट्यूस लीव्स भी डाल सकते हो, लेकिन आज मैं वही चीजें बता रही हूँ जो नॉर्मली हमारे पास घर पे होती हैं। और एंड में मैं डाल दूंगी एक नींबू, खट्टा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल सैलेड है जो घर में बहुत ही बढ़िया बन जाता है और कभी भी बन जाता है, हल्की सी भूख हो और फटाफट से बनाया और खा लिया। और मोरओवर आलू डालने से इसकी फिलिंग भी बहुत है, मतलब बहुत जल्दी पेट भर जाता है। अब इसकी करते फटाफट से मिक्सिंग। जैसे ही मिक्सिंग करी फटाफट से सर्व कर दिया, क्योंकि सैलेड है बहुत ज्यादा ये वॉटरी हो जाता है, बिलीव मी बहुत ही यमी बनता है। अब कभी भी हल्की सी भूख लगे तो बनाओ ये झटपट वाला हेल्दी सैलेड। सी कितना टेम्पटिंग लग रहा है और कितना कलरफुल। तो फाइनली रेडी है हमारा टेम्पटिंग सा हेल्दी सा सैलेड जो घर पे इजली बन जाता है। आज ये रेसिपी घर पे ट्राई जरूर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि आपका ये टेस्टी टेस्टी सैलेड कैसा बना है।
बिलीव मी बहुत बढ़िया है, हेल्दी भी बहुत है, फाइबर बहुत है और यम्मी भी बहुत है। आपके बच्चे भी आई एम श्योर जरूर खाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।